बढ़ते हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत और हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि इधर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में नर्स के साथ उसी तरह की घटना सामने आई। बीती 30 जुलाई को रुद्रपुर के एक निजी हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स के साथ दरिंदगी हुई और उसका सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को जोधपुर से गिरफ्तार भी कर लिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रुद्रपुर में कोलकाता जैसी वारदात, नर्स से हैवानियत और गला घोंटकर हत्या। आठ अगस्त को मिली थी झाड़ियों में लाश। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दर्दनाक घटना के बाद उत्तराखंड में भी एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया। यूपी के रामपुर जिले की रहने वाली तस्लीम जहां नाम की नर्स को पहले मारपीट कर गंभीर रूप से घायल किया गया और फिर उसके साथ रेप किया गया। इसके बाद आरोपी ने स्कार्फ से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने पत्थर से चेहरे को पूरी तरह से कुचल दिया और शव को झाड़ियों में छिपा दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पीड़िता के रुपए और मोबाइल लूटे और फरार हो गया। जब महिला अपने आप जा रही थी तो काफी देर बाद यह भी पीछा करते चला गया। केवल वासना का शिकार होते हुए उसने ये देखा, अकेली रोड पर सुनसान जगह पर डिब्डीवा में महिला जा रही है, पीछा करता हुआ गया। उसका जो वासना की मतलब इसमें आकर और लूट करने के इरादे से उस महिला को घसीटते हुए झाड़ियों के पास ले गया। उसने बहुत प्रोटेस्ट किया महिला ने इसको लात मुक्का सब कुछ मारा, तो तब जाके इसने उसका सर पटक के उसका उसी का चुन्नी होता है वो स्कार्फ बोलते हैं तो महिलाएं जो ऑफिस में काम करने के लिए यूज करते हैं, तो उसी का स्कार्फ से उसका गला घोटा, बर्बरता रूप से गला घोटा, उसको बलात्कार किया, इस प्रकार ब्रूटल रेप करके मर्डर को अंजाम दिया। तो इस वारदात को हमने इसका पूरा कड़ी से कड़ी मिलाते हुए विक्टिम को सॉरी अक्यूज को ट्रेस आउट करने के बाद इस घटना का सफलतापूर्वक हमने अनावरण कर दिया है। पुलिस ने जांच में खुलासा करते हुए बताया कि 33 साल की नर्स तस्लीम जहां रुद्रपुर के निजी अस्पताल में काम करती थी, जो बीती 30 जुलाई की रात से गायब थी। वो ड्यूटी के बाद अपने किराए के मकान वसुंधरा अपार्टमेंट नहीं पहुंची थी। बहन की शिकायत पर पुलिस ने 31 जुलाई को गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की और बीते गुरुवार को डिबडिबा इलाके में एक खाली प्लॉट से तस्लीम जहां की लाश बरामद की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध देखा गया जो तस्लीम के पीछे जाता हुआ दिखाई दिया था। मृतका का मोबाइल बरेली में ट्रेस हुआ, जिसे धर्मेंद्र नाम का शख्स इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस जब उसकी तलाश में बरेली पहुंची तो पता चला कि वो परिवार के साथ फरार हो चुका है, लेकिन पुलिस ने उसे राजस्थान से गिरफ्तार किया और मामले का पर्दाफाश कर दिया। जो हमने गुमशुदगी दर्ज किया है उसी गुमशुदगी को हमने अभी इसका अनावरण करते हुए इसका होने के बाद इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इसके ही निशानदेही में अभियुक्त जो वारदात की टाइम में जो फोन यूज कर रहा था, जो सिम यूज कर रहा था इसके बीवी के नाम पे, वो एज इट इज हमने बरामद किया है। और जो सीसीटीवी फुटेज में ये जो धर्मेंद्र चलता हुआ दिख रहा है महिला के काफी देर बाद पीछे, वही टी शर्ट, वही हमारा जीन्स मतलब कपड़े सब बरामद किया हमने। और भी बहुत सारे महिला के सामान मिसिंग है, ये कुछ कुछ कहानियां बता रहे कहां कहां उसने छुपा रखा है क्या। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। महिला की पहचान न हो सके इसके लिए उसने चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया। जांच में एक बात ये भी पता चली कि आरोपी इससे पहले भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।